हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर्स क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर। और आज हम यहां पे आए हैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि यहां पे है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी यहां पे हम खड़े हैं मेन बिल्डिंग के सामने। यहां से आप देख सकते हैं, इधर से एंट्री होगी और एंट्री करने के बाद इधर ये स्क्वायर पोमोस वगैरह है। और इसके बाद हम अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो क्लासेस आपकी लगेंगी, हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लगेंगे इस यूनिवर्सिटी में। जैसे मैंने अभी देखा, यहाँ पर आपको एक एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा कि जैसे बहुत बड़ा कैंपस है, अंदर तक मैं आपको अभी चल के दिखाऊँगा। जितनी भी क्लासेस आपकी सारी वो यहाँ पे लगेंगी, आपके जो हॉस्पिटल क्लासेस होंगी वो भी यहाँ पे लगेंगी, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में बातें करते हैं, और भी कि क्या यहाँ पे एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इस साइड अगर हम जाते हैं, सर्जरी हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल आपको यहीं पे मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल वगैरह जो क्लिनिक है वो आपको मिलेगा, और दूसरे जो नेफ्रोलॉजी वगैरह और ट्रोमेटोलॉजी वगैरह वो सारे इस साइड में। तो सारी डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पर कि आपको जहाँ पर जाना है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और फिर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलो तब तक कैंपस घूमते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो मैंने सोचा घूमते घूमते बात भी कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें इस यूनिवर्सिटी का, तो 1940s में इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, आप ये देख भी रहे होंगे बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी लग रही है बेचारों की, ठीक है। बट कोई नहीं, अभी स्टूडेंट आएंगे, पैसा आ जाएगा यूनिवर्सिटी के पास, तो रिनोवेशन हो जाएगी। तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बैच ऑलरेडी यहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, बट बीच में ब्रेक था। उससे पहले जो रेगुलर बैच अभी यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से ही यहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूस बैच स्टार्ट हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स का, ठीक है। जो इससे पहले बैच थे, कुछ कुछ बच्चे आते थे वो पास होके जाते थे, लेकिन रेगुलर बीच में कुछ स्टूडेंट कुछ साल एडमिशन नहीं हुए इस यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से फिर एडमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो होती है डिमांड होती है कि मेरे को मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अगर आपकी भी ऐसी ही कोई इच्छा है कि आपको सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में आ सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अगर हम टोटल यहाँ के बजट की बात करें, तो बजट इस यूनिवर्सिटी का रहेगा लगभग, जो ट्यूशन फीस है 4,40,000 रूबल है, इस साल इनक्रीज़
इंक्रीज़ हो गई है। पिछले साल 4,20,000 थी, 20,000 इस साल इंक्रीज़ हो गई है। तो 4,40,000 रुपये ट्यूशन फीस रहेगा, वही 12-15,000 रुपये का आपका हॉस्टल रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह, टोटल 4.5 लाख रुपये के करीब आपका एक्सपेंस रहेगा यहाँ पर ईयर। तो जो अगर हम टोटल करते हैं इसको 6 साल से इंटू करते हैं तो लगभग जो आपका बजट जाएगा यहाँ पर 25 से 26 लाख का कॉलेज का एक्सपेंस रहेगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह। और इसके अलावा आप ऊपर से ऐड कर सकते हो 10 लाख, जिसमें आपका पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो आप हर साल इंडिया ना जाना करोगे, तो लगभग जो 35 से 36 लाख के बजट की ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है अगर हम देखते हैं इसको INR में, ठीक है। इसके अलावा अगर रूबल में देखेंगे तो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, बट INR में हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं इसको 35-36 लाख की ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपके लिए रहेगी, जिसमें आपका सारा खाना पीना, रहना, आना जाना सब कुछ टोटल हो जाता है पूरा मिला के इसमें, ठीक है। और बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें, देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर ना, ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, कितनी खंडर बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, ठीक है। हाँ, इस कैंपस में जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे, सारा का सारा इन बिल्ड कैंपस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारे हॉस्पिटल्स, सर्जरी हॉस्पिटल्स, न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल्स, थेरेपी हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, जितने भी क्लिनिक्स हैं वो यूनिवर्सिटी के यहीं पर हैं, सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर लगेंगी। इवन कुछ सिटी में भी हैं, वहाँ पर भी आप जाओगे, ऑफकोर्स जाओगे, लेकिन मोस्टली जो क्लासेस होंगी वो आपकी यहीं पर लगने वाली हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक जो आपकी क्लासेस होती हैं, यहाँ पर मोस्टली क्लासेस आपकी लगेंगी। 80-90% क्लासेस आपकी यहीं पे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगेंगी। काफ़ी बड़ा कैंपस है और बाउंड्री वाला कैंपस है यहाँ पे। घूम के अगर देखेंगे आप यहाँ पे आएंगे, जब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे बना हुआ है, उसकी सारी मार्किंग वगैरह की हुई है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुआ है, नेविगेशन, जैसे अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं जाना है तो आप इसमें उसको देख के जा सकते हैं। बाकी एक बार अगर आप आ गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आगे पैथ एनाटॉमी का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है, जो भी आपकी पैथोलॉजी की क्लासेस वगैरह लगेंगी वो सारी यहाँ पे लगने वाली हैं। हाँ, कैंपस के अलावा, जैसे कैंपस के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसा कैंपस है, ठीक है। हॉस्टल यहाँ से थोड़ा दूर है, हॉस्टल में आपको आना पड़ेगा, वहाँ से ट्रैवलिंग करके आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो देखो यहाँ पे सबसे मेन एडवांटेज आपको तो यही मिल जाता है कि जो सिटी है काफ़ी बड़ी सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की 2nd लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा एडवांटेज के हम बात करें, यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, अच्छी है, एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, FMG पासिंग रेशियो ऑफकोर्स अच्छा रहेगा, यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा और एडवांटेजेस में और क्या कर सकते हैं, हाँ, कैंपस आपको इन बिल्ड कैंपस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपका बजट है 35-36 लाख तक का बजट है, खाना पीना रहना सब कुछ मिला के, तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो रेगुलर बैच अभी यहाँ से कोई पास आउट नहीं हुआ ये है, बट ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, जिस हिसाब की यूनिवर्सिटी काफ़ी रेपूटेड यूनिवर्सिटी ये मानी जाती है, तो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन तो यहाँ पे यही रहेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम घूमते घूमते बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ से बाउंड्री क्लोज है। इसके अलावा उधर कैंपस है, उधर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इधर मेरे पीछे, इधर भी जो क्लासेस वगैरह हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं। और ये पीछे स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, जिसमें आप वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह अगर आपको खेलनी है तो। हाँ, इवन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे डिपार्टमेंट में ही आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, जिसमें अगर आपको खाना वाना खाना है तो आप हॉस्टल से लेके आ सकते हैं, जब क्लासेस के बीच में आपका ब्रेक रहेगा उस टाइम पे आराम से यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो गाइस, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही। जो एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके अलावा जो कैंपस टूर वाली वीडियो है वो भी जल्दी ही आएगी, वो मैं आपको सारा कैंपस इसमें दिखाऊंगा, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह है वो भी मैं आपको उसका टूर भी करवाऊंगा, और जो हॉस्टल है, स्टूडेंट्स रिव्यूज़ हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगा, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट नाउ मैं रशिया में हूँ, तो व्हाट्सएप पे ही आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अभी 21 मई को मैं इंडिया आ जाऊँगा, उसके बाद से फिर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।